Yes, good morning students, good morning everyone. Let me know if I'm audible and visible. Online students, namaskar. Chale shuru karte hain students aaj ka session. Yes, current affairs Sunday ka nahi ho paya tha, Sunday aur Monday ka aaj dekh rahe hain hum log. Theek hai, to aaiye stoppers mantra ki taraf se main swagat karta hu aap sabhi logon ka. Bahut hi crucial session hai because 3 or 4 new terms you are going to get and लास्ट ईयर फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक से 3 सवाल डाले गए थे यूपीएससी के प्रीलिम्स में. समझ लीजिए कि 2-3 हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन. यस होली की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं. यहां तो होली मना लिया गया कल. नहीं मनाया गया. यू डिडंट सेलिब्रेट. व्हाई, व्हाट्स द रीजन? पढ़ाई कर रहे थे. कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्या बात है. चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट्स. तो आज का सेशन अच्छी बात है कि फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आगे पढ़ना भी नहीं चाहिए. नहीं, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. तो करंट अफेयर्स में मैं बता दूं दैट आज साइंस एंड टेक का एरिया शुरू करेंगे हम लोग. एटलस निकाल लीजिए, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 मेंस का सिलेबस निकालिए, न्यूज नोटबुक निकालिए, 3-4 कलर के पेन निकालिए. और ये देखिए सबसे पहला न्यूज साइंस एंड टेक का, ये संडे को आया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, स्क्रब टाइफस कॉम्बिनेशन थेरेपी कैन सेव मोर लाइव्स. मोर्टेलिटी रेट वाज सेम इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी आर्म एंड 2 मोनोथेरेपी आर्म्स, बट देयर वाज फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन द कॉम्बिनेशन थेरेपी ग्रुप. तो ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया है. ये स्क्रब टाइफस, ये देखा होगा कीड़ा आपने, ये चलता रहता है, देखा होगा आपने, घास फूस में चलता रहता है, कभी कभी स्किन पे भी आ जाता है. ठीक है, ये कीड़ा नहीं बाइट करता है, लेकिन इसके जो बच्चे होते हैं लार्वल स्टेज में वो बाइट करते हैं. और ये कौन सा बीमारी कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं स्क्रब टाइफस. ये एक बैक्टीरिया है ओरियंटिया सुत्सु गामुशी, ओरियंटिया जीनस का बैक्टीरिया है, यही इसके अंदर रहता है एंड इट ट्रांसमिट्स इट टू अस. दिस द नेम ऑफ दिस इज चिगर या लेप्टोट्रॉम्बिडियम. ये देखिए, दिस इज द नेम ऑफ द माइट, ये माइट है. तो ये देखिए यहां पर इस ये कीड़े से बचकर रहना है. ये वेस्ट बंगाल में एंडेमिक हो गया है और कोस्टल बेल्ट्स में. अब सवाल ये है कि इसमें बुखार, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? फीवर, कम्सअप, मसल पेन, कफ, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट. Meningitis in extreme cases. Meninges is the covering of the brain. तो ये बीमारी है और इसमें क्या दिया जाता है एंटीबायोटिक, मैं बताऊं. एंटीबायोटिक के बिना ये बहुत डेंजरस बीमारी है. इट कॉजेज द मोर्टेलिटी रेट वॉज इज वेरी हाई इन दिस. इट कॉजेज अज मीन्स बर्डन ओवर द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ द कंट्री. थ्रेटनिंग इन्फेक्शन ओरियंटिया सुत्सु गामुशी बैक्टीरिया. ठीक है, मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. ट्रॉपिकल डिजीज है, इतना याद रखिएगा. और सबसे बड़ी बात है दैट इसको ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है. डॉक्सीसाइक्लिन ग्रुप, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक या स्टूडेंट्स दिया जाता है एजिथ्रोमाइसिन. आपने दोनों का नाम सुना होगा. ठीक है, बस यहां पर यही है, इस न्यूज में कुछ नया नहीं है. ये दोनों एंटीबायोटिक्स कंबाइन करके दिए गए तो फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स, दैट मींस कॉम्प्लिकेशंस नहीं डेवलप किए. इन शॉर्ट दिस वाज अ एक्सपेरिमेंटल मींस केस आउट हियर व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड इन द हिंदू ऑन संडे, दैट इफ यू कंबाइन एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस डिजीज डोंट डेवलप. तो क्या ये इसी को कहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन? से कुछ याद आ रहा है मुझे दैट ड्रग्स में एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स आते हैं FDCs, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन. एग्जांपल, ये यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है आज से 6 साल पहले मेंस में. व्हाट आर FDCs, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ FDCs? फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट्स दैट जैसे डाइक्लोफेनेक और पैरास्टामोल का कॉम्बिनेशन देखा सुना होगा आपने, मींस दो दवाइयां एक साथ. ठीक है, या क्रोसिन, क्रोसिन के साथ में क्रोसिन प्लस आपने सुना होगा. ठीक है, यानी दो दवाइयां एक साथ में फिक्स्ड कॉम्बिनेशन में. ठीक है,
इसी इसी वजह से मीन्स एफडीसीज के ऊपर आया था कि प्रोज एंड कॉन्स में यही है कि बीमारी कितने बार ठीक हो जाती है, सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड्स हैं, साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। तो क्या यहां पे भी साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं? अभी बस टेस्टिंग हुआ है, इसका फायदा निकाला गया है, बट स्टिल इट इज दिस द रिसर्च इज इन द स्टेज ऑफ मीन्स वी कांट कंफर्म एवरीथिंग एंड इन शॉर्ट स्क्रब टाइफस पे जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसमें कंसर्न अभी भी बाकी है। देखिए स्क्रब टाइफस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया कॉज करता है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ जाए, सेकंड न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट आर बायो कंप्यूटर्स एंड हाउ डू दे फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च हुआ है ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस के ऊपर। मैं बता दूं ये दिस बायो कंप्यूटर का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है ब्रेन। जैसे आप देखिए, अब हमारे शरीर में एक ही पार्ट है जिसकी बीमारियां अभी तक अनडिकोडेड हैं, दैट इज द ब्रेन, ठीक है। कैसे फंक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है, क्योंकि बाकी मैमल्स के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा हमारे ब्रेन में डेवलपमेंट हुआ है। आई होप यू एग्री विद मी, दिस मेक्स इट वेरी टफ टू टेस्ट इट अपॉन द रैट्स एंड द माइस एंड प्रेडिक्ट दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द ह्यूमन ब्रेन। इसी को लेकर रिसर्च चल रहा था कि क्यों नहीं हम लोग एक आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट करें कहीं पर, और आर्टिफिशियल ब्रेन क्रिएट कर दिया गया, ब्रेन कल्चर्स हैव बीन ग्रोन इन द लैब। लेकिन अब इसके बाद क्या किया जाए, ब्रेन कल्चर छोटा सा ब्रेन, ठीक है, अब इस इतने बड़े ब्रेन को तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो छोटा सा ब्रेन है उसको क्या किया गया, फिर माइस के अंदर डाल दिया गया, ब्रेन के अंदर माइस के अंदर डाला गया। उसके बाद माइस को मीन जब माइस रिकवर कर गया ऑपरेशन से, उसके बाद उसको लाइट के फ्लैशेस दिए गए और ब्रेन में सेंसर फंक्शंस देखे गए, तो देखा गया ब्रेन इज रेस्पॉन्डिंग जो कल्चर लैब में ग्रो किया गया था। दिस इज समथिंग विच इज अ माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ, अगर कोई कहेगा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड न्यूरोसर्जरी की जो भी बीमारी, न्यूरोसर्जरी से जो बीमारियां ठीक होती हैं उसको लेकर अगर कुछ पता लगाना है, तो ये मिनी ब्रेन्स ह्यूमन स्टेम सेल्स निकालकर डालकर कल्चर में ग्रो करके और फिर माइस में डालने से ये साफ साफ शो कर रहा है दैट इंसान कितना आगे बढ़ गया रिसर्च में। ये देखिए बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स, एंड अब जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स बस एक चीज कह रहे हैं कि एक बस चिंता की बात है कि अभी भी हमारा ब्रेन का साइज बहुत बड़ा है और माइस के अंदर डालकर क्या फायदा होगा। इतना तक रिसर्च हो चुका था पहले, अब इस दिस न्यूज, व्हाई दिस न्यूज हैज कम अप, बिकॉज नाउ दे आर नॉट गोइंग टू पुट द ब्रेन इनसाइड द mice or rat, now they are going to use AI and robotics in seeing the sensory and the motor functions jo brain ke andar means jo response aata hai uske liye wo log AI ka istemal karne wale, isliye bio computer naam pada hai. Dekhiye iska matlab saaf hai, the John Hopkins University research scheme will combine brain organoids with modern computing methods to create bio computers, and jaise ek aapne suna hoga electroencephalography एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम, ईसीजी लिया जाता है हार्ट के लिए, ईजी लिया जाता है ब्रेन फंक्शंस के लिए, तो वो लगाकर वहां पर, ठीक है, कल्चर के ऊपर, ब्रेन कल्चर के ऊपर और टेस्टिंग की जाएगी। बायो कंप्यूटर के बारे में कहा जा रहा है कि अभी कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं है रेडी, लेकिन रेडी हो जाएगा, इट विल बी अ माइलस्टोन फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजियोलॉजिकल साइंसेज। आई होप यू एग्री ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टेल मी। तो वही देखिए चीज है, बायो कंप्यूटर, move over artificial intelligence, scientists at John Hopkins University have outlined a plan for organoid intelligence. ये देखिए, how is organoid intelligence different from artificial intelligence? You can see here, हम लोग अपना ही brain create कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, अभी तक AI की बात चल रही थी, machine सारा काम कर रहा था, अब machine के साथ में हमारा brain काम करेगा उस जगह पर। So this is what the news has come out. It is a big big breakthrough in the functions of the brain, and कहा जा रहा है इससे दिस बायो कंप्यूटर से हम लोग चेक कर सकेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग क्या होता है। लेकिन इसमें एक कंसर्न है, डेटा, मिलियंस ऑफ डेटा विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट नीड्स टू बी पुट अप, क्लैरिफाइड, रिस्टोर्ड एंड मींस स्टोर करके फिर जब जब जरूरत पड़ेगी उसे रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। इन शॉर्ट इससे कहा जा रहा है पार्किंसंस डिजीज, माइक्रोसेफेली और बाकी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं अगर इसका सही इस्तेमाल किया गया। एक सवाल आपके लिए, ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्क 50 वर्ड्स लिखना है आप लोगों को। यस यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, होली की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ये सेकेंड न्यूज था आज का, आइए आगे बढ़ चलते हैं।
ठीक है, यही ये देखिए ब्रेन ऑर्गेनॉइड ये बनाया जा रहा है लैब के अंदर, ये प्रोब डाला जा रहा है देख सकते हैं आप, एंड इमेजिंग की जा रही है, मिलियंस ऑफ डेटा विल बी क्रिएटेड, 3D कल्चर सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल यहां हो रहा है एट प्रेजेंट, AI का भी इस्तेमाल, ये एक कॉन्ग्लोमरेट है ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस एंड द AI एंड रोबोटिक्स ऑल एट वन प्लेस। तो ये दो न्यूज थे साइंस एंड टेक से, दोनों इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, बायो कंप्यूटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। थर्ड न्यूज, कुनो नेशनल पार्क अनसुटेबल टू होस्ट ऑल 20 चीतास, नॉट इनफ प्रेस सेज साइंटिस्ट। और ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि कुनो पालपुर, आपने सुना होगा न्यूज हमेशा, कुनो पालपुर की जगह पर यही चीता को अगर यहां रखा जाता, यहां पर एक टाइगर टाइगर रिजर्व है, नाम है मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये देखिए मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व चंबल नदी के ऊपर बेस्ड है, जस्ट यहां से कुनो पालपुर से अगर यह शिफ्ट कर जाए चीता यहां पर, तो चीता सरवाइव कर जाएंगे यहां पर, क्योंकि कुनो पालपुर में प्रे नहीं है, ये तो प्रीडेटर्स होते हैं ये, ठीक है, उतना उनके लिए मांस नहीं उपलब्ध है। इन शॉर्ट द साइंटिस्ट इज सेइंग शिफ्ट सम ऑफ देम टू मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क इन नियर कोटा, कोटा वही जगह है जहां पर रिवर चंबल आपने देखा होगा, ठीक है, रिवर चंबल इज पासिंग थ्रू इट, एंड उसके बाद रिवर बनास इज कमिंग एंड कंबाइनिंग नियर सवाई माधोपुर इन दैट रीजन, इसी जगह पर आपने सुना होगा यहां पर एक फेमस डैम जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, तीन डैम्स हैं इसके ऊपर, जवाहर सागर डैम यहीं पर है इसी जगह पर मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में। सवाल यही है, ठीक है, बोला गया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुनो पालपुर, देखिए यहां पर कुनो पालपुर के बारे में मुझे लग रहा है इस बार कि बैकग्राउंड से इंफॉर्मेशन आएगा, कुनो रिवर पे नाम पड़ा है कुनो पालपुर, नोट कर लीजिएगा, और मुकुंद्रा हिल्स ये देखिए, मुकुंद्रा हिल्स इज सराउंडेड बाई फोर रिवर्स, इसमें चंबल भी एक नदी है, बस चंबल कहां कहां से पास करती है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व से, इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चंबल रिवर पासेस थ्रू मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, और इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखिए क्यों दोनों जगह को बोला जा रहा है कि दोनों जगह पर ये शिफ्ट हो सकते हैं, क्या ये पोर्शन क्या इसी में आता है क्या, मुकुंद्रा हिल्स भी आएगा इंडिया के मैप में, और दिस और क्या आएगा कुनो पालपुर, दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट सिग्निफाइज अ स्पेशल टाइप ऑफ ड्राई डिसीडियस वेजिटेशन नोन एज काठियावाड़ गिर ड्राई डिसीडियस या काठियार गिर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ये इसका स्ट्रेच देखिए कहां से कहां तक है, I suppose it's pretty clear. काठियावाड़ गिर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ये देखिए यहीं पर ये पूरा बेल्ट स्टूडेंट्स, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, बस ये दिस नेशनल पार्क, इसमें मुकुंद्रा हिल्स भी आ रहा है, रणथंभौर भी आ रहा है, कुनो पालपुर भी आ रहा है, इतना नोट की रहेगा, और यहां पर गिर भी है, देखिए यहां पर गिर काठियावाड़, काठियावाड़ इज दिस पेनिनसुला, लेट मी टेल यू दिस पेनिनसुला इज काठियावाड़ पेनिनसुला। चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज एनवायरमेंट से, आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड वेल प्रिजर्व्ड 500 ईयर ओल्ड स्पाइसेस ऑन बाल्टिक शिपरेक, ये बाल्टिक सी है, आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए ये बाल्टिक सी है, यहां पर स्वीडन के कोस्ट पर एक शिपरेक मिला है, शिपरेक एक राजा का था 500 साल पुराना, उसमें स्पाइसेस ऐसे ही प्रिजर्व्ड मिले हैं, क्यों स्पाइसेस प्रिजर्व्ड हैं, बिकॉज द बाल्टिक सी इज स्ट्रेंज, इट हैज लो ऑक्सीजन, लो टेम्परेचर, लो सैलिनिटी, सो मेनी ऑर्गेनिक थिंग्स आर वेल प्रिजर्व्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक थिंग्स वेल प्रिजर्व्ड किस कंडीशन में रहती हैं, ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, लो ऑक्सीजन। जीत ने पुटअप किया है दैट सर मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में टाइगर और चीता में एपेक्स प्रेडेटर्स के रूप में फाइट हो सकता है, नो दोनों का निश अलग है, टाइगर इज एनिमल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, एंड चीता इज एनिमल ऑफ ग्रासलैंड्स, दो यहां पर मैक्सिमम एरिया काठियावाड़ गिर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है, स्टिल ग्रासलैंड्स आर डिस्टिंक्ट आउट हियर, एंड जहां चीता सर्वाइव कर लेगा आराम से। तो ये है बस यहां पर, ये देखिए स्पाइसेस, स्पाइसेस पहले सिंबल ऑफ हाई स्टेटस हुआ करते थे, ठीक है, मुझे यहीं से याद आ रहा है भागम भाग मूवी में गोविंदा लेकर चलता है एक बैग जिसमें काली मिर्च, ठीक है, और जो भी नमक वगैरह रखता है, सो दैट सिग्निफाइज वहां पर क्या जरूरी है उस जगह पर, यूरोपियन कंट्रीज में स्पाइसेस आर अ थिंग ऑफ एलिट स्टेटस, ठीक है, सैफरन क्लोव्स पाए गए इसमें, लो ऑक्सीजन, लो टेम्परेचर, लो सैलिनिटी, ये देखिए
चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स। फर्स्ट एविडेंस फॉर हॉर्स बैक राइडिंग डेट्स बैक 5000 ईयर्स, और ये आप लोगों ने अभी वीकेंड में ये आपने टॉपिक देखा था, ब्रॉन्ज एज में कहां पर हॉर्स राइडिंग देखा गया है। दिस बेल्ट इसे स्टेपीज कहते हैं, सुना होगा आपने, पॉन्टिक स्टेपीज, ठीक है, पॉन्टिक स्टेपीज या किर्गिज स्टेपीज, यहीं पर घोड़े पहली बार हॉर्स राइडिंग का हमें मिला है एविडेंसेस इस जगह पर। ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का ले लीजिए न्यूज या हिस्ट्री का न्यूज ले लीजिए, प्री हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहां पर एक ट्राइब्स रहते थे, यमनया कल्चर या यमनया ट्राइब्स कहते हैं स्टूडेंट्स, यही देखिए, देयर द पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम काउकुसस बेल्ट्स टुवर्ड्स ऑल द रीजंस ऑफ यूरोप। काउकुसस आपने पढ़ा हुआ है, यहां से केवल इतना इंपॉर्टेंट, हॉर्स राइडिंग का पहला एविडेंस कहां पर, यमनया कल्चर, पॉन्टिक स्टेपीज या किर्गिज स्टेपीज। यमनया लोग कहां के थे ओरिजिनली, देवर फ्रॉम काउकुसस बेल्ट्स, दैट्स इट। ये हो गए न्यूज इकोलॉजी एनवायरमेंट के। अगला न्यूज देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कार्बन स्टॉक्स ऑफ ट्रीज इन अफ्रीका वर ओवर एस्टिमेटेड। सब सहारन अफ्रीका साहेल रीजन की बात हो रही है, कुछ नया न्यूज नहीं है, ठीक है। कार्बन स्टॉक आपको ही पता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, कार्बन कितना स्टोर्ड है इकोसिस्टम में, ये ओवर एस्टिमेटेड था, ठीक है। साहेल इज अ सेमी एरिड बेल्ट, आई होप यू एग्री विद मी, सेमी एरिड, पूरा सूखा नहीं लेकिन आधा सूखा बेल्ट है, ठीक है। तो ये बस साहेल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, तुरंत चैट बॉक्स में पुट अप कीजिए स्टूडेंट्स आप लोग, और आप लोग भी कॉपी में लिख लीजिएगा। फाइटोप्लैंकटन ब्लूम्स इंक्रीज इन साइज इन 21st सेंचुरी, इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, यू माइट हैव हर्ड यूट्रोफिकेशन। इसके पहले यूट्रोफिकेशन गल्फ ऑफ मेक्सिको में पाया गया है, इसके पहले यूट्रोफिकेशन अरेबियन सी में पाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए ब्लूम अफेक्टेड एरिया बढ़ गया है पूरे विश्व में, इसका मतलब है न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं ज्यादा ओशंस में, एग्री कर रहे हैं, वाटर बॉडीज में, एंड कंड्यूसिव कंडीशंस बन रही है, वार्मिंग हो रहा है, यह भी कहा जा रहा है एक मेजर रीजन है ब्लूम्स आने के। बात समझ में आ रही है, वार्मिंग ऑफ द वाटर्स, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट ट्रैकिंग मैकेक्स इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ये देखिए मैकेक्स हैं, ये प्राइमेट एनिमल्स हैं, ये अंडमान सरपेंट ईगल है, सबसे छोटा ईगल वर्ल्ड का, मैंने बायोस्फीयर रिजर्व्स का लिंक शेयर किया था ग्रेट निकोबार वाले में, आप लोग देखिएगा, मैंने इसके बारे में बताया है, ये एंडेमिक है यहां पर, छोटा सा ईगल है, ईगल का नाम सुनते ही आपको लगता है बहुत बड़ा ईगल होता है, ये सबसे छोटा ईगल है, ठीक है। और ये देखिए इसमें ये लाइवमेंट का एक बस, किसी ने कोई गया था अंडमान निकोबार आइलैंड, तो उसने अपनी कहानी लिखी है, इसमें और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट प्राइमेट्स, ये देखिए लायन, ये दिस निकोबार लॉन्ग टेल्ड मैकेक, सो इट इज द लॉन्ग टेल्ड मैकेक निकोबार, इट्स एंडेमिक टू द ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार एंड द कच्चल आइलैंड्स। ये यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, कच्चल आइलैंड्स कौन से आइलैंड्स का पार्ट है अंडमान निकोबार का। इसे वल्नरेबल स्टेटस दिया गया, ये देखिए, और बस इनके बारे में यही फेमस है कि ये एंडेमिक है इस बेल्ट में, ठीक है। इसी आर्टिकल में मुझे पहली बार मैंने पढ़ा, इंदिरा गांधी ने पहली बार 1969 में आर्मी के लोगों को यहां पर रिलोकेट करवाया था ग्रेट निकोबार में, क्यों, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल दिस कॉम्प्लिकेशंस इन दिस बेल्ट। इसे कहते हैं रीसेटल करवाना, अपने जियोपॉलिटिकल एम्स ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। रशिया ने यही सेम काम किया साइबेरिया में, भले कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, कुछ भी हो, इंदिरा गांधी ने यहां पर कहा दैट भले वार्म हो, फॉरेस्ट हो, आप जाइए वहां पर बसिए, आप उस जगह पर जमीन मिल रही है आप लोगों को, और पूरे आर्मी के परिवार 200 परिवार यहां पर आकर बसाए गए। इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रीसेटलमेंट आउट हियर। तो क्या ये याद रहेगा, निकोबार आइलैंड्स में मैंग्रोव पाए जाते हैं, इतना याद रखिएगा, मैंग्रोव्स आर प्रेजेंट, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टूडेंट्स देख लिया जाए क्या न्यूज आया है, ये देखिए इन इंटरनेशनल रिलेशंस यू कैन सी इट हियर, ईरान क्लेम्स टू हैव अनअर्थ मैसिव लिथियम डिपॉजिट्स, व्हाट द डिस्कवरी कुड मीन। हमें नहीं देखना लिथियम कहां कहां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लिथियम का डिपॉजिट का कहां पाया गया है, ये
रिजर्व, ये देख सकते हैं आप ईरान में हमादान प्रोविंस है, यहां पर हमादान प्रोविंस इज अ पार्ट ऑफ ईरान, इसे याद रखिएगा। ईरान को भी मिल गया लिथियम डिपॉजिट, सर यूएस दिक्कत में है। यहां देखिए लिखा हुआ स्टूडेंट्स, लिथियम को लेकर बोलिविया में सबसे बड़ा डिपॉजिट है, ये किसने आइडेंटिफाई किया है, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने। ये देखिए बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, क्या इसी को एबीसी ट्रायंगल कहते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चाइना। ये देखिए इंडिया ने अभी बताया लिथियम रिजर्व पाए गए रायसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन इन्फर किया गया है, फाइनल नहीं है। ठीक है, किसी भी जगह पर अगर आप देखिएगा कि दिस किस क्राइटेरिया पर रिजर्व्स पाए गए, लेवल कैसे किए जाते हैं, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल वायबिलिटी, यू कैन सी इट हियर, फील्ड प्रोजेक्ट स्टेटस एंड फिजिबिलिटी, एंड जियोलॉजिकल नॉलेज, ईएफजी। इंडिया के रिजर्व्स अभी केवल जियोलॉजिकल नॉलेज पे है, G4 टैग दिया गया है। ये तीनों क्राइटेरियाज लिख लीजिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री क्राइटेरियाज द टैग इज गिवेन फॉर अ पर्टिकुलर मिनरल। ये देखिए, और ये किसने डेवलप किया है, यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स एंड मिनरल कमोडिटीज, यूएनएफसी 1997। ये देखिए, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल वायबिलिटी, ये लास्ट स्टेटस होता है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको, फील्ड प्रोजेक्ट स्टेटस एंड फिजिबिलिटी, जियोलॉजिकल नॉलेज। जब भी कोई फ्यूल मिलता है तो पहले उसे जी टैग दिया जाता है, उसके बाद फील्ड प्रोजेक्ट स्टेटस एंड फिजिबिलिटी एफ टैग, फिर ई टैग मींस कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हैज बिगन। तो इस किसने दिया है, यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स एंड मिनरल कमोडिटीज 1997। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ जाएं। हमादान प्रोविंस आपको समझ में आ भी गया, यहां पर कहां पर है हमादान। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, ये देखिए दिस फेसिंग बैकलैश इन अफ्रीका, फ्रांस प्रॉमिसेस मॉडेस्टी एंड लिसनिंग। सुना होगा आप लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑपरेशन बरखाने एंड ऑपरेशन सरवल, क्या ये फ्रांस के ऑपरेशंस थे साहेल बेल्ट में। ये देखिए बरखाने एंड सरवल, ये किसके ऑपरेशंस रहे हैं, मैंने ये आप लोगों को संकल्प सीरीज में भी दिया था ये टॉपिक। ठीक है, बरखाने एंड सरवल वर ऑपरेशंस ऑफ फ्रेंच आर्मी इन साहेल बेल्ट, क्योंकि वो पूरा रीजन पहले फ्रांस के ही अंडर में था, तो होल बेल्ट। ही देखिए तो फ्रांस पर आरोप लग रहे हैं। बरखाने एंड सरवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, फ्रांस को निकालने की कोशिश में यहां के लोकल्स। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट न्यूज, यूएस साउथ कोरिया अनाउंस लार्जेस्ट ड्रिल्स इन 5 ईयर्स, इसका नाम है फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। ये देखिए लिख लीजिएगा इसे, ये देखिए यूएस साउथ कोरिया कहां, क्या ये इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, पैसिफिक ओशन की एक्सरसाइज की बात हो रही है, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ में ये सबसे बड़ा ज्वाइंट एक्सरसाइज है, फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज। ये देखिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट फिलीपींस में एक गवर्नर को मारा गया है, ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ और मर गया वो बंदा। ये देखिए कहां पे ये सिटी है, पैम्पलोना नेग्रोस इज द नेम ऑफ द प्रोविंस, बस ये नाम याद रहे, पैम्पलोना एंड नेग्रोस, नेग्रोस इज प्रोविंस, पैम्पलोना इज सिटी। सोमालिया में देखिए अटैक हुआ है फिर से। ठीक है, सोमालिया में जो जगह न्यूज में चल रही है लस अनोद, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, मैंने ये सर्च किया, इट हैड कम अप इन 2022 अर्ली जनवरी में आया था ये सेम प्लेस न्यूज में, तो लस अनोद करके आ सकता है मैच करने के लिए, सोमालिया में है या कहां पर है, सोमालिया का हिस्सा है। ये देखिए यहां पर लस अनोद देख रहे हैं आप, ये जिबूटी है, ये यमन है इधर में, क्या कुछ आइडिया लग रहा है कहां पर है। इज इट क्लियर, लस अनोद, इज इट क्लियर, ठीक है कहां पर लोकेटेड है। नेक्स्ट इकोनॉमी में स्टूडेंट्स न्यूज, शावर स्प्रिंग रिलीफ फॉर दार्जिलिंग टी ग्रोवर्स, क्या दार्जिलिंग का टी सबसे पहला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट था। दार्जिलिंग टी में एक न्यूज आया यहां पर, अगर बारिश नहीं होगी इस समय
तो द फर्स्ट फ्लश क्या होता है ये पढ़ लीजिए, उसमें डिप हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट फ्लश इज द पिकिंग ऑफ द ब्रांड न्यू टी लीव्स, टू टी लीव्स एंड अ बड इन द अर्लीस्ट स्प्रिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट। पहले पत्ते बहुत एरोमेटिक होते हैं, सबसे ज्यादा चाय कड़ी इसी से बनती है, इसे एक्सपोर्ट किया जाता है पूरा का पूरा। देखिए फर्स्ट फ्लश, सेकेंड फ्लश, मानसून फ्लश, ऑटम फ्लश, रद्दी चाय होता है हम लोग पी लेते हैं, ठीक है, ये बाहर जाता है ये चाय, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये देखिए यहां लिखा हुआ है। तो ग्रेजुअल फॉल चल रहा है दार्जिलिंग की टी में, और एक बड़ा कॉम्पिटिशन आया स्टूडेंट्स नेपाल के चाय की तरफ से। नेपाल की चाय बहुत सस्ती है, एक एस्टिमेट्स के हिसाब से नेपाल की चाय जस्ट हाफ कॉस्ट की है, तो शायद इसके लिए भी प्रॉब्लम्स दार्जिलिंग का टी फेस कर रहा है। और ये देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप मेरे से पूछिएगा, ये इस बार पक्का प्रीलिम्स में आ रहा है, सेंटर में इज 81 बॉन्ड वैल्यूएशन रूल्स, लिख लीजिए, लिखित ले लीजिए, मेरे तरफ से आने वाला है सवाल। हम मैं कभी कभी गारंटी के साथ बोलता हूं, ठीक है, और ये गारंटी है। आपने यस बैंक के बारे में सुना है, यस बैंक डिबेकल 3 साल पहले हुआ था, यस बैंक को उठाने के लिए 4-5 बैंक्स को पैसा लगाना पड़ा था, उसमें एसबीआई भी था, 3 साल का उन्होंने लॉक इन किया था पैसा अपना। यस बैंक डिबेकल किस चीज पे हुआ था, 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसी पर सवाल आ सकता है। देखिए एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स आर हाई यील्ड सिक्योरिटीज, 9% यील्ड देता है ये, क्या ये हाई यील्ड है मुझे बताइए। That typically have loss absorbing features, meaning they can be written off if a lender's capital falls below a crucial level. Yes, bank ने दिया है, ठीक है, bond कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, मुझे पैसा भी दे दो, मेरा बेस कैपिटल नहीं अच्छा। उसके बाद जब सामने वाले ने कहा कि मुझे पैसा दीजिए वापस, उसने कहा नहीं है पैसा मेरे पास, तो पैसा डूब भी सकता है इसमें, इट्स हाई रिस्क। और देखिए लिखा हुआ है दे आर परपेचुअल सिक्योरिटीज विच ऑफर हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड, 9% का रिवॉर्ड है, लेकिन लेकिन दिक्कत यह है दैट, देखिए यहां पर इंटरेस्ट रेट्स रेंज अराउंड 9%, बट दिक्कत की बात है 81 बॉन्ड्स एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स का कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। यह डिपेंड करता है बॉन्ड इश्यूअर पर कि वह कब पैसा देगा, बात समझ में आ रही है, पैसा लेगा भूल जाओ उसके बाद। ये केवल बैंक्स जारी करते हैं, मैं बता दूं, और कोई जारी नहीं कर सकता इसे, केवल बैंक जारी करता है। ये देखिए बैंक्स वर अलाउड टू रेज अ स्पेशल क्लास ऑफ बॉन्ड्स नोन एज 81 बॉन्ड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स, 81 बॉन्ड्स लाइक अदर बॉन्ड्स पे रेगुलर इंटरेस्ट बट दे डू नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट, ये याद रखिएगा इस चीज को। एंड दे आर अ परमानेंट पार्ट ऑफ द बैंक्स कैपिटल अकिन टू इक्विटी, डूबा बैंक तो पैसा डूब गया, प्रिंसिपल नहीं मिलेगा आपको, गेटिंग द पॉइंट, इंटरेस्ट मिलता रहेगा आपको। तो यही ये शॉर्ट ऑफ कैपिटल नीड्स, यही यस बैंक ने जारी किया था, और इसीलिए पैसा डूब गया बहुत सारे लोगों का, जिन लोगों ने पैसा लगाया था यस बैंक के लिए। देखिए देखिए ठीक है, तो 81 बॉन्ड्स पे क्या न्यूज आया है, देखिए लिखा हुआ है बैंक्स मे सून फाइंड इट इजियर टू रेज कैपिटल फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट एज द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग इन रिलैक्सिंग द वैल्यूएशन रूल्स फॉर एडिशनल टीयर 1 और 81 बॉन्ड्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। सेबी चेंज द रूल्स ऑफ 81 बॉन्ड्स इन 2021 एंड विच द बॉन्ड्स विदाउट अ फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट और परपेचुअल्स, इसी को पहले 81 बॉन्ड्स कहते थे, सेबी ने इनका मैच्योरिटी डेट 100 ईयर्स रखा, अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा अभी, इसे याद रख लीजिएगा, मैच्योरिटी डेट 100 साल का, बात समझ में आ रही है, दैट्स इट। तो बस 100 साल का मैच्योरिटी डेट का मतलब है दैट कम से कम पैसा मिलेगा तो सही वापस, ठीक है, पैसा जिसने लगाया पहले, कोई परपेचुअल डेट ही नहीं था, नो मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट यू आर गेटिंग। सो वैल्यूएशन ऑफ 81 बॉन्ड्स मे बी अलाइन्ड विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, अब ये दिस हैज मेड इट मोर, इसके कारण क्या हुआ, जब मैच्योरिटी डेट फिक्स कर दिया गया तो बैंक्स ने भी इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया इस पर, सो दैट इज लाइक The people, the investors are not interested much more in this. इसी को attractive करने के लिए अब center कुछ valuation rules change करेगा, आ रहा है ये point.
अभी क्या पढ़ना है आपको, सेबी ने क्या चेंजेस किए 81 बॉन्ड्स में, 100 साल मैच्योरिटी डेट रखा है इसे, ये देखिए ठीक है। सो दिस इज 81 बॉन्ड्स, ये देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज दिस फ्रॉम इकोनॉमी। आपने आईआर के भी कुछ न्यूज देखे स्टूडेंट्स, और इसके अलावा आपने ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरमेंट के कुछ न्यूज देखे, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज और कल और आज के न्यूज आज शाम को डिस्कस किए जाएंगे। ओके, मैं फिर से बता दूं मैंने क्या क्या न्यूज डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। साइंस एंड टेक से दो न्यूज देखा हम लोगों ने, वी डिस्कस्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज बायो कंप्यूटर्स, वी डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज स्क्रब टाइफस, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। बायो कंप्यूटर इज गोइंग टू कम अप इन द मेंस फॉर श्योर, ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में फर्क, ठीक है। फिर आपने पढ़ा स्क्रब टाइफस और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। स्क्रब टाइफस इस कीड़े से फैलता है, इस माइट से आपने अभी पढ़ा। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स देखा दिस कुनोपालपुर एंड मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व सेम टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। दिस इज कॉल्ड एज काठियावाड़ गिर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ये देखिए। उसके बाद आपने पढ़ा बाल्टिक में शिपरेक ओल्ड स्पाइसेस आर प्रिजर्व्ड, ये देखिए। लो टेम्परेचर लो ऑक्सीजन एंड लो सैलिनिटी रीजन है बाल्टिक सी, इसी वजह से वहां पर प्रिजर्व रहते हैं ऑर्गेनिक रिमेंस बहुत हद तक। फिर आपने बाल्टिक सी का लोकेशन देखा, फिर आपने देखा हॉर्स बैक राइडिंग, पहला एविडेंस 5000 साल पुराना कहां से पाया गया है, पॉन्टिक स्टेपीज या किर्गिज स्टेपीज, यहीं पर कुछ लोग रहते थे, नाम था यमनयाज, ठीक है। यमनया कल्चर कहां का है, काकासस माउंटेन्स का है, यहीं से ये लोग फैले थे। इनका न्यूज 1.5 साल पहले भी आया था, इसलिए ये यमनया इंपॉर्टेंट है। क्या आया था मैं बता दूं आपको, द फर्स्ट लैक्टोज टॉलरेंस वाज शोड इन द जीन्स ऑफ दीज पीपल, क्योंकि आपने देखा होगा लैक्टोज को लेकर इनटॉलरेंस होता है ह्यूमन बींग्स में। हल्का फुल्का जीन्स मीन्स कुछ लोगों में इट्स टॉलरेंस इज मच मोर, और ये इन्हीं के जीन्स से आया है। ये 1.5 साल पहले द हिंदू ने पब्लिश किया था इन्हीं लोगों के ऊपर, और फिर से ये लोग न्यूज में आ गए हॉर्स राइडिंग को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन स्टॉक साहेल बेल्ट, नेक्स्ट फाइटोप्लैंक्टन यूट्रोफिकेशन, नेक्स्ट ग्रेट निकोबार में देखिए ये लॉन्ग टेल्ड निकोबार मैकेक, और यहीं पर कच्चल आइलैंड्स, नाम सुना आपने, निकोबार आइलैंड्स में ही कच्चल आइलैंड्स पाए, कच्चल आइलैंड्स आर अ पार्ट ऑफ निकोबार। वल्नरेबल स्टेटस ऑफ दिस मैकेक, प्राइमेट्स हैं ये। फिर आपने पढ़ा स्टूडेंट्स आईआर का टॉपिक, ये देखिए आईआर में आपने पढ़ा कुछ प्लेसेस, यू सॉ अबाउट दिस ईरान में हमादान प्रोविंस में पाया गया है रिजर्व्स, और ये देखिए कैसे क्लासिफिकेशन होता है रिजर्व्स का, आपने देखा किसी भी सॉलिड रिजर्व्स का, सॉलिड फ्यूल का। उसके बाद आपने पढ़ा स्टूडेंट्स फिलीपींस में क्या हुआ है, साउथ कोरिया यूएस ने जॉइंट एक्साइज किया है, ठीक है, और सोमालिया में क्या हुआ है, और इकोनॉमी में टी का फर्स्ट फ्लश, और साथ में स्टूडेंट्स 81 बॉन्ड्स आपने पढ़ा। तो चलिए रिमेनिंग टॉपिक्स हम लोग शाम के सेशन में देखेंगे, यहीं पर सेवा समाप्ति की घोषणा। आईएएस टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पर आकर उठा लीजिए इस सेशन का फ्री पीडीएफ, एंड आफ्टर दिस विल स्टार्ट ऑफ विद द 1 ईयर कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, मैं एंड कर रहा हूं सेशन, ठीक है, धन्यवाद।